अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ राफ़ी एंड वी विल बी डिस्कसिंग रिलीज काइनेटिक्स। अब एक फॉर्मुलेशन की जो रिलीज़ है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही होती है, जब वो भी इस वक्त जब हम मॉडिफाइड रिलीज ड्रग्स की बात कर रहे होते हैं, तो इसमें सेवरल फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ड्रग की जो कि शामिल होती हैं, जैसे कि एक्सीपिएंट, डोजेज फॉर्म या मैन्युफैक्चरिंग। तो ये इसके रिलीज़ पैटर्न को स्टडी करना हमारे लिए ज़रूरी होता है एफिकेसी के लिहाज से, तो इसलिए हम रिलीज़ काइनेटिक्स इसके पढ़ रहे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल के डिसोल्यूशन और रिलीज़ जो है हमारी ड्रग का, फॉर एग्जांपल सॉलिड फॉर्म है तो टैबलेट कैप्सूल्स, या सेमी सॉलिड है तो क्रीम ऑइंटमेंट्स वगैरह, तो ये इंटेंडेड पीरियड के लिए हमारे पास टाइम रेंज के लिए हमारे पास मौजूद होती हैं, जैसे आवर्स या वीक्स। तो इसके डिज़ाइन हमें उसी तरीके से करने होते हैं कि ये हमारे ड्रग डिलीवरी सिस्टम में जाकर उसी हिसाब से वर्क करे जैसा कि हमें चाहिए। अगर सस्टेन रिलीज़ है, कंट्रोल रिलीज़ है, तो वो उसी हिसाब से वर्क करे। अब हमारी जो प्रोफाइल होती है वो या तो लिपिड बेस्ड होती है, और जो हमारी ड्रग की कॉम्प्लेक्स मैनर्स होते हैं वो पॉलीमर सिस्टम्स के होते हैं या लिपिड बेस्ड सिस्टम्स के होते हैं, तो हम उसी हिसाब से इसको वर्क कर रहे होते हैं। अच्छा, अब इसकी जो रियल फिनोमेना है ना ड्रग का, वो चल रहा होता है इसके ना डिफ्यूजन रेट पे या डिसोल्यूशन पे, स्वेलिंग पे, इरोजन पे और प्रेसिपिटेशन पे, कि हमारी ड्रग किस तरीके से बॉडी में जाके सिस्टमेटिकली रिलीज़ होती है। तो उस चीज़ की स्टडी और इसके रिलीज़ पैटर्न्स जो हम कंबाइन पे मैथमेटिकल इक्वेशन है हमारे पास एक, उसके जब हम कॉन्सेंट्रेशन से इसको चेक करते हैं तो फिर हमें ये डिटरमाइन होता है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज मुस्तफा हसन एंड माय रोल नंबर इज QO66। डिसोल्यूशन एंड रिलीज ऑफ ड्रग्स हमारे पास इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है सॉलिड डोजेज फॉर्म के लिए, लाइक टैबलेट कैप्सूल, सेमी डोजेज, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। डिसोल्यूशन सॉलिड और लिक्विड हमारे पास ट्रांसफर करता है मास फ्रॉम द सॉलिड टू लिक्विड फेज। इसके दो प्रोसेस होते हैं हमारे पास, एक इंटरफेशियल रिएक्शन होता है जो लिबरेट करता है सॉलिड मॉलिक्यूल्स को फ्रॉम सॉलिड फेज, और सेकंड फेज होता है हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट कराता है सॉलिड को इंटरफेशियल बाउंड्री से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कन्वर्जन। नॉइज बिगिनिंग इक्वेशन होती है हमारे पास, द रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया एंड द सॉलिड ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, डीसी ओवर डीटी इज इक्वल टू केएस सीएस माइनस सी। हमारे पास ये डिपेंड करता है हमारे पास, और इसके द रेट ऑफ द कॉस्ट का कॉमन मैकेनिज्म क्या है, इवैल्यूएट किया जाता है ड्रग को फ्रॉम बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड कॉम्बिनेशन ऑफ डिफ्यूजन टू डिग्रेडेशन। हमारे पास ड्रग रिलीज काइनेटिक एप्लीकेशन टू मॉडल्स टू ड्रग रिलीज, इसका हमारे पास डायरेक्ट डायरेक्टिव वन, इसके हमारे पास एक और एक ज्यादा मैकेनिज्म होते हैं, मैट्रिक्स ज्योमेट्री प्रिपरेशन मेथड एंड डिसोल्यूशन मीडिया ऑफ ड्रग रिलीज। मैथमेटिकल मॉडलिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग बेस करती है हमारे पास मेन फैक्टर पे जो अफेक्ट करती है ड्रग रिलीज को, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, फिजिकल स्टेट एंड और कंसंट्रेशन उसकी प्रोफाइल की। ये फैसिलिट करता है डेवलपमेंट को टू अंडरस्टैंड रिलैक्स बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्स फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म्स। थैंक यू। Assalamu alaikum, this is Shahzad Ali Qureshi. Today I am here to discuss three release kinetics models for sterile order kinetics. Basically, इसमें बताया जाता है कि जो drug release हो रही होती है from its delivery device is independent on its concentration. Mathematically, it is Q equals to Q naught plus K naught T. और ये इनका जो ग्राफ होता है वो लीनियर ग्राफ होता है, बेसिकली उन ड्रग्स के लिए होता है जो ट्रांसडर्मल सिस्टम में हो, मैट्रिक्स टैबलेट्स हों, लो सॉल्युबल ड्रग्स हों या कोटेड फॉर्म में हो। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात की जाए तो इसमें रिलीज जो होता है हमारे पास वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होता है। मैथमेटिकली DC और DT माइनस के टीम ये उन ड्रग्स के लिए जो वाटर सॉल्युबल हैं और पोरस मैट्रिक्स के फॉलो कर रही होती है। हिग्यूची मॉडल की बात की जाए तो इसमें उन ड्रग्स को यूज किया जाता है जो वाटर सॉल्युबल हो, लो सॉल्युबल ड्रग्स हो, इनकॉर्पोरेटेड इनटू सेमी सॉलिड और सॉलिड मैट्रिक्स के अंदर। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट इज डिफाइंड एज द रिलीज ऑफ ड्रग्स फ्रॉम इनसॉल्युबल मैट्रिक्स एज अ स्क्वायर रूट ऑफ टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंट डिफ्यूजन। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। Assalamu alaikum, this is Kiraka Faisal, round number 225. I will describe three models, and the first one is Hudson-Kewell tube-loop law. The Hudson-Kewell tube-loop law basically describes the role released from the systems where the change in surface area or diameter of particles can be, but there is no change in the shape. As a matter of fact, the suspended solid dissolves or surface area decreases. And the other model is the Korsmeyer-Pepas model. The Korsmeyer-Pepas model जो drive कर रहा होता है एक simple relationship को, जो कि describe कर रहा होता है drug release from a polymeric system. Basically हमारे पास दो release होते हैं, दो diffusion होते हैं, the thickened release and the non-thickened release. Thickened release हमारे पास दो release होते हैं जो कि fixed block को follow कर रहा होता है, and the non-thickened release जो कि fixed block को follow नहीं कर रहा होता है. Fixed block जो होता
हमारे पास स्टेट क्या होता है कि हमारा जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है अक्रॉस द यूनिट एरिया जो कि हमारे पास सरफेस हो सकती है या कोई भी मेम्ब्रेन हो सकती है व्हिच इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ठीक है हमारे पास यहां पे दो केस आ जाते हैं द केस टू व्हिच इज द रिलैक्सेशन मींस द ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है जो कि एसोसिएटेड होता है स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन ट्रांजिशन से एंड द अदर इज द सुपर केस टू व्हिच इज शील्ड बाय द मैक्रोमोलिक्यूलर रिलैक्सेशन ऑफ द पॉलीमेरिक चेन हमारे पास जो बेसिक डिफरेंस होता है वो यही होता है केस टू सुपर केस टू में कि केस टू के अंदर जो है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है जिसके इन्वॉल्व और सुपर केस टू हमारे पास जो इरोजन हो रही होती है पॉलीमेरिक चेन की एंड द थर्ड मॉडल इज द हॉफेनबर्ग मॉडल द हॉफेनबर्ग मॉडल बेसिकली कोरिलेट कर रहा होता है ग्राफीन्स को फ्रॉम द सरफेस इरोडिंग पॉलीमर्स अलोंग विद द सरफेस एरिया रिमेंस कांस्टेंट ड्यूरिंग द डिग्रेडेशन प्रोसेस दैट्स ऑल फ्रॉम द साइड फ्रॉम माय साइड थैंक यू.